मिस बोस ने मुझसे बात करने से मना कर दी। यस सर, उन्होंने कहा कि बात करने के लिए थैंक्स कहना चाहता था, मेरी माँ को हेल्प करने के लिए। वो ये भी नहीं सुनना चाहती थी। सर, उन्होंने एक बात और बताने को कहा था, उन्होंने आपका जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मैं जानता था वो यही कहेंगी। What did you say? Come again? उन्होंने आपकी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और आज वो आपकी मॉम से भी मिलने आने वाली है। मत लगाओ ना, आपको पता है किस तेल के वजह से ना मेरे कॉलेज में सारे दोस्त मुझे ऑयली बटूरे बुलाते हैं। अच्छा, और जो तू लगाती है वो सारन सिरम? हाँ वही सिरम। अरे सिरम माँ। हाँ वही सिरम माँ, उससे नहीं होते चिपकू? हाँ, नहीं होते। अगर वो मैं ज्यादा भी लगा लूँ ना तो वो लोग मुझे एक्स्ट्रा चीज पिज्जा बुलाएंगे, जिसको कूल लगता है। अच्छा, ये कूल के चक्कर में अपने बालों को देखो कितने रूखे हो गए। अरे वो बकरी बांधने की जो रस्सी होती है ना, वो भी नरम होती है तुम्हारे बालों से। वेरी फनी माँ, अब प्लीज इतना तेल थोपोगी ना तो वो अमेरिका वाले ना अगला अटैक मुझ पे करेंगे। ऐसे कैसे कर देगा? अरे भाभी आइए। अरे राधा रानी की भांजी को कोई टच करके तो देखे, बड़ा आया अमेरिका कहीं का। अपना मामी को तेल लगा लो, मैं जा रही हूँ। अरे इल। आइए भाभी बैठिए। और जीजी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है भाभी, देव ने ना बस बेवजह हवा बनाई है। आपको क्या हुआ भाभी? आपका चेहरा कितना उतरा उतरा दिख रहा है। विक्की की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ विक्की को? बेचारे का मुंह इतना सूज गया है ना, सुबह सुबह दूध लेने गया था, दूध वाले ने भी कहा कि भैया सुबह सुबह मुंह में पान दबाया है क्या? गरीब की बेटी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं, इसलिए हल्दी चूने से शिकायत कर दी मैंने उसकी। पर क्या हुआ, कहीं गिर गिर गया क्या या किसी से झगड़ा हो? भैया ने तो नहीं मारा ना? जी जी, देव ने नहीं बताया आपको क्या? कल अस्पताल में विक्की को देव ने क्या? हाँ, बड़ा भाई है, जानती हो हक है उसे मारने का, पर अकेले में चाहे दो चार मार लेता, पर सबके सामने आपकी तबीयत खराब थी इसलिए मैं कुछ बोली नहीं, चुपचाप चली गई मैं घर। पर देव ने विक्की को क्यों मारा? मैंने नहीं पूछा उससे, बड़ा भाई ये हक है, पर एक माँ हूँ ना, उसका कचोरी जैसा सूजा हुआ मुंह देखती हूँ तो दुखता है यार। मामी कोई तो बात हुई होगी ना, वरना देव भैया ऐसे विक्की को बेवजह क्यों मारेंगे? विक्की का किसी से झगड़ा हो गया था वहां, तो देव ने सोचा कि उसकी गलती है तो नहीं, फिर भी देव को इतना गुस्सा आया। मैं बात करूंगी देव से आज शाम। जी जी, पता है आपको इतनी परेशान हूं कि सुबह से मैंने चाय तक भी नहीं पी। नेहा, मेरे लिए ना एक अदरक वाली चाय और दो आलू के पराठे भेज दे। जी जी, डॉक्टर को दिखाने तक के पैसे नहीं है। हाय राधा रानी, तेरे तो भाग ही फूट गए। भाभी एक मिनट, एक मिनट, आप तुरंत विक्की को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाइए। ले लीजिए पैसे। हाय हाय, न जाने कितने पैसे लगेंगे। ये आप ना तुरंत उसे ले जाइए बस। जी जी, समझ में नहीं आ रहा कैसे लौटाऊंगी मैं इतने पैसे, पिछले महीने तक 65,000 ले चुकी हूँ। जी जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर खर्चा ही इतना है, कुछ बचा ही नहीं पाती कि आपको पैसे लौटा सकूं। हाय हाय राधा रानी, इतना उधार कैसे चुकाऊंगी? भाभी मैंने मांगे है क्या? उधार परायों से लिया जाता है, अपनों से तो हक मांगा जाता है। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आप लोग यहीं रहने आ जाओ, इतना बड़ा घर है, आराम से रहेंगे। हाँ जी जी, पर
आपके भैया माने तो। हाँ शर्मा जी, आश्रम चौक से लेफ्ट लेना है ना? जी जी, बस मैं निकल रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंचता जी। अरे हेलो शर्मा अंकल, आई एम सॉरी आज बाबा नहीं आ पाएंगे। आप घर पे आइए ना आज शाम को अगर आपको टाइम मिले तो, एंड आई प्रॉमिस कि बाबा आज जैस्मिन चीटिंग नहीं करेंगे। जी नमस्ते शर्मा जी। सोना क्या किया तुमने? मैं जॉब की बात कर रहा था उनसे। बाबा जब जॉब की जरूरत ही नहीं है तो बात करके क्या फायदा? सोना जब तक तुझे और सौरभ को जॉब नहीं मिल जाती बेटा। ब्रेकिंग न्यूज बाबा, सोनाक्षी बोस को जॉब मिल गई। क्या गौर से देखी है इस लड़की को, बेरोजगार दिखने वाली लड़की के पास जॉब आ गई है। तुझे जॉब मिल गई? ग्रेट। कौन से हॉस्पिटल में? एक्चुअली बाबा कोई हॉस्पिटल में नहीं, मैंने मिस्टर दीक्षित का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर दीक्षित? बेटा पर तू उनके साथ जॉब नहीं करना चाहती। सोना डोंट लूज होप, तुझे दुनिया की सबसे अच्छी जॉब मिलेगी, पर जब तक नहीं मिलती बाबा है ना, मैं अपनी सोना को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा बेटा। लीव इट। आई नो आप है बाबा, और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, और फिर मैंने डिसीजन ली जिसे मैं अपनी जीत समझती थी ना, वो एक्चुअली मेरी प्रोफेशन की हार है। मुझे तो सिर्फ मिस्टर दीक्षित से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एरोगेंट है, रूड है, बदतमीज किस्म के आदमी है, लेकिन उनकी माँ वो तो सिर्फ एक पेशेंट है ना। मैं मिस्टर ओबोद्रो का गुस्सा उन पे थोड़ी ना निकाल सकती हूँ, उन्हें मेरी ज़रूरत है, एंड आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब, दैट्स इट। वाह सोना बेटा वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू बाबा। सोना जब तू इतनी छोटी सी थी ना, तू एक बार बाहर दीवार से टकरा गई थी और एक साल तक मुझसे कहती रही, दोस्त बाबा ये दीवार गंदी है, ये दीवार गिरा दो, ये दीवार बहुत गंदी है बाबा, इसको गिरा दो। छोटी सी जिद्दी सोना कभी मैच्योर और समझदार डॉक्टर सोनाक्षी बोस बन गई, पता ही नहीं चला बेटा। हाँ ठीक कहती बेटियां एफडी की तरह होती हैं, कब मैच्योर हो जाती है पता ही नहीं चलता। व्हाट कम ऑन गिव मी अ हग। ये देव भी ना 55,000 का शोपीस ले आया, वो भी पुराना, इतने में तो 10 नए आ जाते। देखो तो कितना भी चमकाने की कोशिश करो चमकता ही नहीं है। छोटे बच्चे भी इतनी जिद नहीं करते हैं जितनी तू करती है। वो मैं क्या हुआ, तू जल्दी आ गया, तू ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, और जो नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। क्या तेरी तबीयत? कुछ नहीं हुआ है मुझे। जिस न्यूट्रिशनिस्ट से बात की थी ना, वो तेरे लिए फुल टाइम काम करने के लिए तैयार हो गई है। जय राम जी की। देव मैंने मना किया था ना बेटा तुझे, देव शायद तुझे याद नहीं है, तू बहुत छोटा था, ये विकी पैदा होने वाला था ना, तब तेरी मामी की 6 महीने तक खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी। भैया को पीलिया हुआ था तो परहेज का खाना मैं बनाया करती थी बेटा, यहाँ तक कि शाहदरा वाले तिवारी भाई साहब है ना, उनकी गाय ब्याहती है तो मुझे फोन करके पूछते कि मैं क्या खिलाऊं गाय को, और तू मुझे कह रहा है कि मैं क्या खाऊंगी क्या पीऊंगी मुझे कोई और आके बताएगा बेटा। माँ मान जाना, तेरे लिए काम करने के लिए उसकी नौकरी छुड़वाई है, सिर्फ 3 महीने की तो बात है। नहीं 3 महीने क्या, मुझे 3 दिन भी बर्दाश्त नहीं होगा ये। माँ मेरे लिए वैसे कितने पैसे देने वाला है तू इस डॉक्टरनी को? जितने भी पैसे हो, तेरी तबीयत ठीक हो जाए बस। अरे बता। 1,50,000 रुपए। डेढ़ लाख? देव 1,50,000 रुपए?
अरे क्या सोना चांदी खिलाने वाली है वो मुझे? तुम्हें पता है वो गौर भाई साहब रिंकी के पापा, अरे पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद 1.5 लाख रुपए पीएफ मिला है उन्हें, और तू 1.5 लाख रुपए इस डॉक्टर नी को मुझे कुछ ना खाने के दे रहा है? देव, सच कहती हूँ मैं, ये डॉक्टर नी ना डॉक्टर नी नहीं, सफेद कोट वाली चोरनी एक नंबर की। माँ, 1.5 लाख हो या 1.5 करोड़, बस तेरी तबीयत ठीक हो जाए, तेरी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। डॉक्टर वो साथी होगी, उसे तुझसे मिलवाने के लिए ही रुका हूं मैं। तुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तू जा ऑफिस जा, अपना काम कर, वो ज्यादा जरूरी है। तू तो हमारे देश की सरकार भी संभाल लेगी, ये डॉक्टर नहीं क्या चीज है? अरे मैं तेरी फिक्र नहीं कर रहा, उसकी फिक्र कर रहा हूं। अच्छा देव, ये तो बता विकी के साथ क्या हुआ था? हाय राम। विकी, विकी, देखिए देखिए ना, मैं अपने लिए क्या लेकर आई, साड़ी साटन की है, छोकर देखिए ना, अंजू मासी है ना, उसके पोते का नामकरण, उसमें पहनूंगी मैं, और ये विक्की के लिए नए जूते। चाहे कोई सर पे मारे या तोहफे में दे, विक्की की किस्मत में जूते ही है। अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि पहले ये तो बताओ कि कौन से बैंक में डाका डाला है तो इतनी सारी खरीदारी कर ली। आपके राज में डाका ही डालना पड़ेगा ना, अरे आपकी जितनी पेंशन आती है ना उसमें एक साड़ी खरीदना तो बहुत दूर की बात है, घर का राशन भी पूरा नहीं होता, घी का एक डब्बा खत्म हो जाए तो दूसरे के बारे में सोचना पड़ता है। विक्की कहाँ है, दवाई पी ली उसने? विक्की, अरे अपने कमरे में बैठा पी रहा है, लेकिन अपनी वाली दवाई पी रहा है। मेरा मतलब है कि पीआर पी रहा है लाडला। अरे दर्द में पी रहा है ना, बनाओ बकवास स्वाद वाली चीज कौन पिए? ये बताओ तुम्हें ये कैसे पता चला किसका स्वाद बकवास होता है? ओ, अब आप उसे छोड़कर मेरे पीछे पड़ गए। आप ये बताइए कि आपने गीजर सही करवाया है या नहीं? बात को पलट रही है भाई, उसका एक तार खराब है, इसके लिए वो करंट मार रहा है, वो मैं ठीक कर दूंगा। हाँ हाँ, आप क्यों सही करेंगे, आप तो यही चाह रहे हैं ना कि राधा रानी को करंट लगे और राधा रानी टैब बोल जाए। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। अरे जब से इस घर में ब्याह कराई हूँ ना, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं, कभी सुख नहीं मिला मुझे, जब देखो बस परेशानी परेशानी, कभी पानी खत्म हो गया, कभी छट पक रही है, कभी सीलन आ गई, कभी ये तो कभी वो। देखो भाई, तुम कितने ही टुकड़े रोलो, हम ईश्वरी के घर जाके रहने वाले नहीं हाँ भाई। अरे ननंद का इतना बड़ा महल जैसा घर है, भाभी ऐसे झोपड़े में रहे। मेरी हैसियत झोपड़ी की है तो झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा राधा रानी हाँ भाई। ये जो है जैसा है अपना घर है, और अगर तुझे महलों में रहने का शौक है तो अपने बेटे से बोल, वो तेरे लिए एक महल बनवा दे, जैसा कि देव ने अपनी माँ के लिए बनवाया। एड्रेस के हिसाब से रास्ता तो यही है, मैंने कोई गलत टर्न तो नहीं लिया ना? मिस्टर ओबोद्रो जैसे रिच आदमी ऐसे लोकेलिटी में कैसे रहेगा, अजीब बात है। देविया, देविया, हाँ, कोई मैडम आई आपसे मिली। मिस बोस, वेलकम। आप मिस्टर देव के जुड़वा भाई हो? क्योंकि मैं मिस्टर दीक्षित से मिल चुकी हूँ, बहुत ही रूड बदतमीज किस्म का आदमी, आप तो इतना पोलाइटली बात कर रहे हो, वो हैव टू बी समवन एल्स।
मैं भी मिस सोनाक्षी से मिल चुका हूँ, वो भी काफी रूड है, मेरी जॉब ऑफर ठुकरा दी थी, लेकिन आप तो यहाँ कुछ चल के आई हैं। You also have to be someone else. मैं आपके मॉम के लिए यहाँ आई, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल। Excuse me. माँ का कमरा यहाँ है, वहाँ मेरा कमरा है। माँ? वही है जो मुझे अस्पताल ले गई थी। देव, अच्छा किया तू इन्हें घर ले आया। मैं तो इन्हें धन्यवाद भी नहीं दे पाई थी। आओ आओ बैठो। दरअसल मैं ना किसी और का इंतजार कर रही थी। अरे वही तेरी सफेद कोट वाली चोरनी। पता, मेरे बेटे ने मेरे लिए एक डॉक्टरनी रखी है, खाना खिलाने के 1.5 लाख रुपए। बताओ, आने दो उसे। तुम भी मिल लेना उस लालची बुढ़िया डॉक्टरनी से, फिर बातें करेंगे। माँ, क्या है बेटा? यही है डॉक्टर सोनाक्षी बोस, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट। तुम डॉक्टर नहीं हो? जी। लगती नहीं। बाल रंगती हो क्या? आजकल डॉक्टर बनने के लिए बाल सफेद होने का वेट नहीं करना पड़ता। सॉरी। इट्स ओके आंटी। नहीं, मुझे लगा ही नहीं कि तुम डॉक्टर नहीं हो सकती हो। तुमने मेरे साथ इतनी भलाई की, अपना कामकाज छोड़कर मुझे अस्पताल ले गई, और मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। मैं तुम्हें डॉक्टर नहीं कहूंगी। वो कहना बोस, बंगालन हो? जी। मैं मछली नहीं खाऊंगी। आ जी आंटी। देव, तूने धन्यवाद दिया कि नहीं? कहने के लिए फोन किया था, लेकिन मैं तुम्हें सोना ही कहूंगी। डॉक्टर बोस, बुढ़िया का नाम लगता है। अरे बेटा जा, अब तू जा, जा ऑफिस जा, काम कर। हाँ माँ, बस कुछ और बातें बतानी हो बता दूं, फिर चला जाता हूँ। I'll manage. I know, लेकिन आज आपका पहला दिन है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी पड़ेंगी। इस ऑयल में खाना बनाया जाता है? हाँ दीदी, पूड़ियां तलने के लिए बेस्ट तेल है। आज से ये नहीं, ऑलिव ऑयल आएगा। उसमें पूड़ियां तलेंगे? आज से पूड़ियां भी नहीं तली जाएगी, और अगर आप घी यूज कर रहे हो तो वो भी बंद करना होगा। लेकिन घी तो माँ को बहुत पसंद है। उन्हें घी बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं? मैदा भी बंद। अरे भटूरे माँ को बहुत पसंद है, कम से कम कभी कभी। कभी नहीं। नो पनीर। पिचू, नो पनीर। जी। नो राजमा, नो छोले, नो फ्राइड स्टफ, नो अचार, नो मीठा। माँ की सारी फेवरेट चीजें बंद कर दोगी तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। एटलीस्ट कुछ तो। आज आप ऑफिस में क्या करोगे? गुड़गांव में एक डील है रियल एस्टेट की। तो उनके पेपर्स आप मुझे दे दीजिए, मैं रियल एस्टेट आपसे बेहतर समझती हूँ। सुनाओ यू नो, किसी को उसका काम सिखाना कैसा लगता है? अब आप मुझे अपना काम करने दीजिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.